आज बनाएंगे हम दही बल्ले यानी कि दही वड़ा। ये जो दही वड़ा है वो हम बनाएंगे मूंग की दाल और उड़द दाल को मिक्स करके। बनाना बिल्कुल आसान है दही बल्लों को घर पे। कितना आसान है वो तो आप वीडियो देखकर जानेंगे। आइए शुरू करें बनाना। सबसे पहले हम दाल को भिगोएंगे। तो मैंने ये ली है उड़द की दाल बिना छिलके वाली, आधा कप डाल दी है बाउल के अंदर। साथ में ली है मैंने मूंग की दाल, ये भी बिना छिलके वाली है, एक चौथाई कप। जितनी उड़द दाल ली है उसका आधा हमने मूंग दाल लिया है। और इन्हें अब अच्छे से पानी से वॉश करेंगे। तो मैं इसे हाथ से रब करके वॉश कर रहा हूँ। लगभग 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धो लेते हैं, फिर पानी निकाल देते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे ताज़ा पानी और दाल को भिगो देंगे। 2 से 3 घंटे के लिए काफ़ी है, ओवरनाइट मत रखना। 2-3 घंटे में दाल आपकी जो है फूल जाएगी। ढक्कन ढक दिया है और 2 से 3 घंटे बाद मिलते हैं। 3 घंटे पूरे हो चुके हैं, दाल हमारी फूल गई है। चेक कर लेते हैं, दाल अच्छे से टूट रही है ऐसे तोड़ने पे, इसका मतलब है दाल अच्छे से फूल चुकी है। सारा पानी निकाल दिया है, छलनी में मैं दाल निकाल रहा हूँ जिससे जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी निकल जाए। और जार में डालकर हम इसे पीस लेंगे। तो 2 या 3 बैच में हम पीसेंगे। साथ में ना मैं हरी मिर्ची काट के डाल रहा हूँ। आप चाहो तो बारीक कटा हुआ अदरक भी डाल सकते हो इसमें, या फिर अदरक को छील के ऐसे ही डाल सकते हो। और ये मैंने पहला बैच तैयार कर लिया है, इसे हम पीस लेते हैं बिना पानी डाले हुए। आप चाहो तो बहुत हल्का सा पानी डाल देना, 1 चम्मच अगर आवश्यकता पड़े तो, नहीं तो आप बिना पानी के पीसिए। यह दाल हमने पीस ली है और चेक कर लेते हैं एक बार। दाल मैंने एकदम बारीक बारीक पीसी है। आप चाहो तो हल्की दरदरी भी रख सकते हो दाल को, और आवश्यकता पड़े तो हल्का सा पानी आप डाल सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि बिना पानी के ही पीसना है। 1 चम्मच आधा चम्मच आप पानी डाल सकते हो। जैसे आप देख सकते हो दूसरे बैच में मैंने हल्का सा पानी डाल दिया है ताकि दाल हमारी अच्छे से पिस सके। और ये हमारा सेकेंड बैच है। तो ये भी हमने दाल पीस ली है, मतलब पूरी की पूरी दाल पीस ली और बर्तन में निकाल ली है, क्योंकि अब ना हम इसे फेंटेंगे। तो आप या तो एक एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, एक ही डायरेक्शन में आपको फेंटना है ताकि इसके अंदर एयर बन सके। और चलिए फेंटना शुरू करते हैं। अब इस दाल को आपको लगभग 7 से 8 मिनट तक फेंटना है ऐसे ही एक ही डायरेक्शन में। और 7 से 8 मिनट में ये दाल क्या होगी, कलर चेंज कर देगी, मतलब हल्का लाइट कलर हो जाएगा और दाल काफ़ी हल्की हो जाएगी पहले की तुलना में। अभी देखो आप, क्रीम की तरह सॉफ्ट सॉफ्ट हो गई है दाल हमारी, काफ़ी हल्की हो गई है। इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, लगभग 1/4 छोटा चम्मच। तो ये दाल हमारी वड़े बनाने के लिए अब तैयार है कि नहीं ये हम चेक कर लेते हैं। ये हमें कैसे चेक करना है, जो नॉर्मली करते हैं पानी में डाल के दाल को। तो मैं ये दाल पानी में डाल रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं जैसे ही दाल को डाला पानी में वो तैरने लगी, इसका मतलब है दाल हमारी वड़े बनाने के लिए एकदम तैयार है। इसी से ये जो दाल हमारी तैर रही है ना ऊपर, इसका मतलब है दाल हमारी काफ़ी हल्की हो चुकी है। अभी मैंने ये गर्म पानी लिया है, इसमें मैं नमक डाल रहा हूँ स्वाद अनुसार। आप चाहो तो थोड़ी सी हींग भी डाल सकते हो। और मीडियम गरम तेल में आपको वड़े डालने हैं इस तरीके से, मतलब कि पहले उंगलियों पे लीजिए 4 उंगली पे, फिर हथेली से गोल गोल कीजिए। ध्यान रखें पहले आप अपने हाथों को गीला ज़रूर कर लें पानी से। ये देखिए मैंने डाल दिया, और मैं आपको ना फिर से दिखाता हूँ शुरू से कि कैसे वड़े आपको डालने हैं कढ़ाई में। तेल आपका मीडियम गर्म होना चाहिए। और ये देखिए, ये हमारा जो भी नमक वाला गर्म पानी था ना उसमें डाल दिया है। ये देखिए नॉर्मल पानी, जिससे मैंने अपनी फिंगर और हथेली दोनों को गीला कर लिया। अपनी 4 उंगली और थंब से इस तरीके से उठाया बैटर, और उसे हथेली पे गोल गोल कर लिया। और करने के बाद हम डाल देंगे कढ़ाई में से, इस तरीके से। सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना है, बस उठाइए हथेली पे गोल गोल कीजिए और डाल दीजिए। जब हाथ पे चिपकने लगे तो हाथ को गीला कर लीजिए पानी से। तो ये देखिए ऐसे ही, जब आपके वड़े हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन हो जाएं तब आप इन्हें पलटना स्टार्ट कर दीजिए दोनों तरफ से, पलट पलट कर। जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाए इन्हें बाहर निकाल लीजिए और पानी में डाल दीजिए। तो ये मैंने डाल दिए थे नमक वाले पानी में, गर्म वाले नमक वाला गर्म पानी। और लगभग 30 मिनट तक इसमें पड़े रहे जिससे ये फूल गए। अब मैंने यहाँ पे दही, हरी मिर्ची चटनी और ये दही बल्ला मसाला लिया है। इसकी जगह ना आप काली मिर्ची, जीरा और हींग को थोड़ा सा भून लीजिए तवे पे और पीस लीजिए, बन गया आपका दही बल्ला वसा मसाला। यहाँ मैंने प्लेट में 4 भल्ले डाल दिए हैं। कैसे लेने हैं आपको, पानी में ऐसे स्क्वीज करने हैं ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और
प्लेट में लगाइए, दही डालिए, दही में ना हल्का सा मीठा डाल दिया है मैंने यानी कि चीनी, और उसे फेंट लिया दही को, तब काम में लेना है आपको। और दही अच्छे से डालना है क्योंकि दही बल्ला है तो दही तो पड़ेगा ही पड़ेगा अच्छे से। ऊपर हरी चटनी डाल देते हैं हल्की सी, हल्की सी क्या मतलब स्वाद अनुसार, साथ में मीठी चटनी। तो हरी चटनी मीठी चटनी दोनों की वीडियो मैं पहले शेयर कर चुका हूँ। इससे पहले मैंने राम लड्डू की वीडियो बनाई थी जिसमें हरी चटनी और मीठी चटनी बताई थी इंस्टेंट, और ये ऊपर से हल्का सा मैंने दही बल्ला मसाला डाल दिया है। ये नहीं डाल रहे हो आप तो नमक डालिए, आप लाल मिर्च पाउडर डालिए और हींग जीरा भुना हुआ डालिए, काली मिर्ची का पाउडर डालिए। यहाँ मैंने थोड़ी सी बूंदी डाल दी है रायते वाली, अनार के दाने हैं तो आप अनार के दाने डाल दीजिए, और ये आपकी दही बल्ले की प्लेट तैयार है। वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट के जरिए ज़रूर बताना, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक के ज़रिए बताना।